कहानी के क्रम। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम कहानी को क्रम में लगाना सीखेंगे। दोस्तों ये देखो, मेरे पास एक कहानियों की किताब है। इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। इन कहानियों का क्रम गलत दिया गया है। हमें चित्र को देखकर और चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर कहानी के सही क्रम का पता लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना कहानी जाने हम कहानी का क्रम कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए जब बारिश होती है तब उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले बादल आते हैं, फिर बारिश होती है और उसके आखिर में इंद्रधनुष आता है। इसी तरह हमें भी चित्रों को देखकर कहानी का क्रम पता करना है। दोस्तों है ना ये मजेदार? आइए देखते हैं इस किताब में पहली कहानी कौन सी है। कहानी है शरारती बंदर। यहाँ पर 5 चित्र दिए गए हैं। बंदर ने माफी मांगी, हाथी ने बंदर को छोड़ दिया, एक बंदर ने हाथी पर फल मारा, हाथी ने अपने सूंड में बंदर को पकड़ा, हाथी को गुस्सा आया। दोस्तों क्या आप मेरी मदद इन चित्रों को सही क्रम में लगाने में करेंगे? हमारा पहला चित्र होना चाहिए एक बंदर ने हाथी पर फल मारा। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है दूसरा चित्र कौन सा होना चाहिए? ये, यानी हाथी को गुस्सा आया। दोस्तों आपको क्या लगता है तीसरा चित्र कौन सा होगा? बहुत खूब, गुस्सा आने पर वह बंदर को सूंड में पकड़ लेगा, इसलिए तीसरा चित्र ये होगा, हाथी ने अपने सूंड में बंदर को पकड़ा। उसके बाद चौथा चित्र ये होना चाहिए, यानी बंदर ने माफी मांगी। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं आखिरी चित्र कौन सा है? बिल्कुल सही, ये वाला, हाथी ने बंदर को छोड़ दिया। दोस्तों किताबें दूसरी कहानी ये रही। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर कहानी के क्रम को पहचानिए। कछुआ और खरगोश, कहानी का सही क्रम पता करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस वीडियो में हमने चित्रों को देखकर कहानी को सही क्रम में लगाना सीखा।